हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कोरोना वायरस के संकट से इस वक्त समूचा देश जूझ रहा है और ऐसे में लगातार बॉलीवुड सेलेब्स अपनी ओर से आम लोगों की मदद करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इस लिस्ट में सुपरस्टार शाहरुख खान का भी नाम है। वो लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ छिड़ी जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपनी ओर से हर संभव मदद कर रहे हैं। वहीं अब शाहरुख खान ने बिहार के उस मासूम की मदद की है जो बीते कुछ दिनों अपने मृत मां को स्टेशन पर जगाने की कोशिश कर रहा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। शाहरुख खान ने उस बच्चे को अपने परिवार से मिलाने की कोशिश की है और इस काम में उनके एनजीओ मीर फाउंडेशन ने बड़ी भूमिका अदा की है। मीर फाउंडेशन ने बिहार के रहने वाले उस मासूम को उसके परिवार से मिलाने का काम किया है और इसके बारे में मीर फाउंडेशन ने अपने इंस्टाग्राम पर जानकारी दी। साथ ही बताया कि अब वो बच्चा अपने दादा के पास है और सही सलामत है। वहीं मीर फाउंडेशन के पोस्ट पर शाहरुख खान ने ट्वीट करते हुए कहा, थैंक यू ऑल फॉर गेटिंग अस इन टच विद लिटिल वन। वी ऑल प्रे ही फाइंड्स स्ट्रेंथ टू डील विद द मोस्ट अनफॉर्चुनेट लॉस ऑफ अ पेरेंट। आई नो हाउ इट फील्स। आवर लव एंड सपोर्ट इज विद यू बेबी। तो देखा आपने, शाहरुख खान की वजह से ये बच्चा अपने परिवार के पास पहुंच गया है। बता दें कि शाहरुख खान इस कोरोना काल में अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से कई डोनेशन कर चुके हैं और इसके अलावा उन्होंने बीएमसी को अपना दफ्तर भी COVID-19 पेशेंट्स की मदद के लिए डोनेट किया था। किंग खान ने बीते दिनों ही अपना खार स्थित दफ्तर बीएमसी को दान दिया था और इस दफ्तर को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। तो बीते दिनों ये खबर भी आई थी कि इस दफ्तर में कोरोना वायरस के 6 पेशेंट्स भी क्वारंटीन कर दिए गए हैं। शाहरुख खान के अलावा सलमान खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े सेलेब्स भी लगातार अपनी ओर से मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। और वहीं आपको याद दिला दें कि शाहरुख खान की मीर फाउंडेशन कई तरह के सामाजिक कार्यों में जुटी रहती है।